أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين دو جہاں کی کامیابی گر تجھے درکار ہے ان کا دامن تھام لے جن کا محمد نام ہے صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ فرمان خدا ہے بہاری والو غور سے سن لو نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا نہیں جو مصطفیٰ کا وہ ہمارا ہو نہیں سکتا کر لے توبہ ابھی بھی وقت ہے پھر یہ نہ کہنا کہ حساب بہت سخت ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے مقصد درود شریف پڑھ لیجیے بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں آج کا جو دن ہے وہ جمعہ کا دن ہے اور جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ بہت ہی مبارک بہت ہی بابرکت اور بہت ہی باعظمت دین ہوا کرتا ہے اس دن کی حدیث پاک میں اور روایتوں میں
बड़ी वैल्यू और कदरदानी आई है। रिवायतों में यहाँ तक आता है कि जुमुआ का जो दिन होता है ना, वो ईदेन से भी अफजल होता है। साल में दो ईद आती है, एक रमज़ान ईद जिसे ईदुल फितर कहा जाता है और एक बकरी ईद जिसे ईदुल अज़हा कहा जाता है। रिवायतों में आता है कि जुमुआ का जो दिन होता है वो ईदेन से भी अफजल होता है। यूं फरमाया कि इंसान जैसा जुमुआ गुजारता है अल्लाह वैसा पूरा हफ्ता गुजारने की तौफीक और सआदत नसीब फरमाते हैं। यूं फरमाया कि महीनों में रमज़ान का महीना अफजल, रातों में शबे कदर और अरफात की रात अफजल, वक्तों में फजर की नमाज के बाद का वक्त और असर की नमाज के बाद का वक्त ये अफजल। इसी तरह दिनों के एतबार से जुमुआ का जो दिन होता है वो अफजल दिन होता है। इसीलिए जुमुआ के दिन को सैयदुल अय्याम कहा जाता है, दिनों का सरदार कहा जाता है। एक सवाल होता है कि जुमुआ के दिन हम कौन सा अमल ज़्यादा करें, कौन सा वजीफ़ा ज़्यादा करें। फरमाया कि मुख्तलिफ जगहों के एतबार से अलग अलग वजीफ़े होते हैं। यूं फरमाया कि अगर कोई इंसान मक्का मुकर्रमा में हो उसे चाहिए कि तवाफ़ ज़्यादा करें। अगर रमज़ान का महीना हो फरमाया फिर अल्लाह का कुरान ज़्यादा पढ़े, और वैसे पूरा साल जुमा आए तो कौन सा वजीफ़ा ज़्यादा करें। फरमाया जुमुआ के दिन दुरू शरीफ ज़्यादा पढ़ें, मोहब्बत से पढ़ें, अदब से पढ़ें, अजमत के साथ पढ़ें, इस इस्तेहज़ार के साथ पढ़े कि मैं यहाँ हूँ, मेरा दिल मदीने में है। अल्लाह तबारक व ताला हम तमाम को आशिक़े रसूल बनाए। यूँ फरमाया कि दुरूद पाक पढ़ा करो, दुरूद पाक पढ़ा करो, जिंदगी तमाम परेशानियों और मुसीबतों से नजात पा जाएगी। आज जिसको भी देखो परेशान बेचैन हालात में तकलीफ में, क्या मालदार क्या गरीब, क्या दीनदार क्या बेदीन, जिसको भी देखो परेशान है बेचैन है हालात में है तकलीफ में है, कोई एंड आता नहीं है। दो काम बनाने जाता चार काम बिगड़ जाते, चार काम बनाने जाता आठ काम बिगड़ जाते, आठ काम बनाने जाता बारह काम बिगड़ जाते। जिंदगी तलखियों का शिकार हो रही है, कभी अपनी जात के एतबार से परेशान है, कभी घर वालों के एतबार से परेशान है, कभी बिजनेस के एतबार से परेशान है, कभी आमिलों के और डॉक्टरों के चक्कर है, इंसान परेशान है। अल्लाह वाले फरमाते हैं दुरूद शरीफ को अपना वजीफा बनाओ, दुरूद पाक पढ़ा करो, चलते फिरते उठते बैठते इंशाअल्लाह जिंदगी तमाम परेशानियों और मुसीबतों से नजात पा जाएगी। यूं फरमाया कि दुनिया की आला तरीन मसरूफियत प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजना है। यूं फरमाया कि सारी परेशानियां ख़त्म हो सकती है, सारी परेशानियां जो है वो ख़त्म हो सकती है, शर्त ये है कि दुरूद शरीफ के पढ़ने में इजाफा कर दिया जाए, बढ़ोतरी कर दी जाए, हम जितने पढ़ते हैं उससे ज़्यादा पढ़े जाए। अल्लाह ताला हमें दुरूद शरीफ ज़्यादा पढ़ने की, कसरत से पढ़ने की, पढ़ते रहने की अल्लाह ताला हमें तौफीक और सआदत नसीब फरमाए। अल्लाह करे कि इसको हम अपना वजीफ़ा बना लें। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दुरूद शरीफ बरकत की चीज़ है, दुरूद शरीफ रहमत की चीज़ है। यूँ फरमाया जो शख्स 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह तबारक व तआला उसे 40,000 इनाम अता फरमाते हैं, 40,000 इनाम अता फरमाते हैं।
दस हजार रहमतें अता फरमाते हैं, दस हजार दर्जे बुलंद फरमाते हैं, दस हजार नेकियां अता फरमाते हैं, दस हजार गुनाहों को मुआफ फरमा देते हैं। जो शख्स एक हजार मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह 40,000 इनाम अता फरमाते हैं। पढ़ने वाले तो बहुत दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, मेरे एक दोस्त मरहूम हो चुके हैं जवानी में, 30-32 साल की उम्र में अल्लाह को प्यारे हो गए, दुनिया से चले गए। यूं फरमाया, दुनिया में आने का वक्त तो हम सबको मालूम है, डेट ऑफ बर्थ तो मालूम है, डेट का वक्त ना मुझे मालूम है ना आपको मालूम है। दुनिया में आने में तरतीब है, पर दादा दादा अब्बा बच्चे जाने में कोई तरतीब नहीं। दादा पहले जाएंगे या पोता पहले जाएगा का नहीं पता। अच्छा तो दादी पहले जाएगी या पोती पहले जाएगी? फरमाया नहीं पता, जाएंगे हरे। अरे बुहारी में जितना मजमा जमीन के ऊपर है, इससे कई गुना ज्यादा मजमा जमीन के नीचे है। बुहारी में रहने वाले 100 साल पहले वाले कहाँ है? नौसारी में रहने वाले 200 साल पहले वाले कहाँ है? वालोर में रहने वाले 300 साल पहले वाले कहाँ है? वियारा में रहने वाले 400 साल पहले वाले कहाँ है? 500 साल पहले वाले डॉक्टर कहाँ है? इंजीनियर कहाँ है? वकील कहाँ है? प्रोफेसर कहाँ है? उनकी जमीन कहाँ है? उनके दस्तावेज कहाँ है? उनकी दुकानें कहाँ है? उनका वो रौब, उनका वो दबदबा, और खुदा की जमीन पे अकड़ के चढ़ना और एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाना और परेशान करना, वो सारी चीजें कहाँ है? मुगल के सारे बादशाह कहाँ है? मेरे और आपके परदादा कहाँ है? ये दुनिया की जिंदगी धोखे का घर है, यहाँ किसी को हमेशा नहीं रहना। दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, मंजिल तेरा बंगला नहीं, मंजिल तेरी गाड़ी नहीं, मंजिल तेरा शोरूम नहीं, मंजिल तेरी जमीन और जायदाद नहीं, मंजिल तेरा नाम नहीं। फरमाया दुनिया के ए मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू, 2 दिन का ये सफर है। दुनिया बनी है जब से, लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, मट्टी में सब समाए। ए इंसान, तू खाली हाथ दुनिया में आया था, खाली हाथ दुनिया से चला जाएगा। तू अकेला आया था, अकेला दुनिया से चला जाएगा। जब तू दुनिया में आया था ना, किसने पहला गुसल दिया था नहीं पता। जब दुनिया से जाएगा, कौन आखिरी गुसल देगा नहीं पता। जब दुनिया में आया था ना, किसने पहला कपड़ा पहनाया था नहीं पता। जब दुनिया से जाएगा, कौन कफन का कपड़ा पहनाएगा नहीं पता। जब दुनिया में आया था, किसने गोद में उठाकर झोली में रखा था नहीं पता। जब दुनिया से जाएगा, तो कौन गोद में उठाकर कब्र में रखेगा नहीं पता। जब दुनिया में आया था, तो किसने दाएं कान में अजान और बाएं कान में तकबीर कही थी नहीं पता। जब दुनिया से जाएगा, कौन जनाजे की नमाज पढ़ाएगा नहीं पता। जब दुनिया में आया था, अस्पताल में कौन कौन मिलने के लिए आए थे, किस किस ने खुशियां मनाई थी नहीं पता। जब तेरा जनाजा उठेगा, कौन कौन तेरे जनाजे में शरीक होगा नहीं पता। ए इंसान, तू किस चीज पर अकड़ता है? न तू पहला गुसल खुद कर सका था, न तू आखिरी गुसल खुद कर सकेगा। ये दुनिया धोखे का घर है, ये मच्छर का पर है, ये मकड़ी का जाला है, ये छोड़ देने की जगह है, ये दिल लगाने की जगह नहीं, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है। ये तो इबरत की जा है, तमाशागाह नहीं है। सारे कब्रस्तान वाले तौबा करने के लिए तैयार है, नेक बनने के लिए तैयार है, अल्लाह वाले बनने के लिए तैयार है, अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाने के लिए तैयार है, आशिक़ रसूल बनने के लिए तैयार है, प्यारे नबी की नकल उतारने के लिए तैयार है, फजर की नमाज में मस्जिदों को आबाद करने के लिए तैयार है, अल्लाह के घर से दिल लगाने के लिए तैयार है, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के लिए तैयार है, कुरान पढ़ने के लिए तैयार है, दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन अल्लाह अब उनको इसकी तौफीक देने के लिए तैयार नहीं। एक मर्तबा इंसान दुनिया से चला जाता है, नामे आमाल बंद हो जाता है,
मेरे अजीजों, सारे कब्रस्तान वाले तौबा करने के लिए तैयार, लेकिन अल्लाह अब सुलह करने के लिए तैयार नहीं है। एक बुजुर्ग कब्रस्तान में, एक बुजुर्ग बाजार में एक शख्स की मुलाकात हुई। कहा, हजरत बाजार में क्या कर रहे हैं? ऐन जवानी है। हजरत ने फरमाया कि ये बाजार वालों की अल्लाह से सुलह करवा रहा हूं, अल्लाह का तारुफ करवाता हूं, अल्लाह की पहचान करवाता हूं। एक जिंदगी है, फानी है, नबी की नकल उतार लो, तौबा कर लो, अल्लाह की तरफ आ जाओ, दुनिया कदमों में आएगी, चैन सुकून इत्मीनान और अमनो अमान मिलेगा, हयातन तय्यबा मिलेगी, कब्र की सारी मंजिलें आसान होगी, आखिरत में तुम्हें अच्छा लगेगा, बेटा बाप का फरमा बरदार हो उसको बाप के घर में अच्छा लगता है, बाप की नेमत तो से वो फायदा उठाता है। वजह क्या है? बाप का फरमा बरदार है। बंदा जब रब का फरमा बरदार हो हाथ उठाता है, अल्लाह नेमतों की बौछार करते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी कामयाबी सुकून अता फरमाते हैं, आखिरत की सारी मंजिलें अल्लाह आसान फरमाते हैं। ए लोगों, मान लो, अल्लाह की तरफ आ जाओ। हजरत बाजार में लोग मान गए। कहा, अल्लाह ताला मानने के लिए तैयार है, अल्लाह सुलह करने के लिए तैयार है, ये बाजार वाले सुलह करने के लिए तैयार है। एक लंबा जमाना गुजरा, हजरत की भी उम्र हो गई, उस जवान की भी उम्र हो गई, दोनों बूढ़े हो गए। एक मुद्दत के बाद दोनों की मुलाकात कब्रिस्तान में हुई। कहा, हजरत इतने जमाने के बाद मिल रहे, कई साल गुजर गए, आज कब्रिस्तान में क्या कर रहे हैं? बेटा वही जो बाजार में कर रहा था, वही कब्रिस्तान में कर रहा हूं। क्या कर रहे हैं? बस कुछ नहीं, ये कब्र वालों की अल्लाह से सुलह, अल्लाह ताला की ये कब्र वालों से सुलह करवा रहा हूं। सुलह हो गई? कहा, बेटा आज मामला उल्टा हो गया, आज सब कब्र वाले सुलह करने के लिए तैयार है, आज अल्लाह तैयार नहीं है, आज अल्लाह तैयार नहीं है। मेरा अजीजो, ये वक्त निकल जाएगा, जिस तरह देखते ही देखते कितनों के अब्बा, कितनों की अम्मा, कितनों की फूई, कितनों के चचा, कितनों के दादा, कितनों की दादी, कितनों के नाना, कितनों की नानी देखते ही देखते चले गए, मैं और आप देखते ही देखते चले जाएंगे। ये कल करते करते कईयों को तौबा की तौफीक न मिली, कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरे पड़े हैं जो यूं कहते थे कि बाद में तौबा करेंगे, बाद आई नहीं, जवानी में मौत ने उन्हें आ पकड़ा और अल्लाह को प्यारे हो गए, आज तड़पते होंगे, आज उनको पढ़ के बख्शने वाला कोई नहीं, उनकी कब्र पे जाने वाला कोई नहीं। ये मतलबी दुनिया है, बाप के जाने के बाद कोई बाप के लिए 500 रुपये देने के लिए तैयार नहीं होता। हम में से कौन है जिसने अपने परदादा के लिए 10 रुपये इसाले सवाब किया हो? क्या हम में से कोई है जिसने अपने परदादा के लिए 10 रुपये, सिर्फ 10 रुपये? क्या ख्याल है हमारे बच्चों के बच्चे हमारे लिए इसाले सवाब करेंगे? ना 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 ना, ये मतलबी दुनिया है, मतलब की है दुनिया सारी, मतलब के है सब संसारी। ये दुनिया 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रात है, मौत से किसको रुस्तदारी है? आज वो तो कल हमारी बारी है। मेरे अजीजों, बुहारी वालों, सिर्फ आपसे नहीं, मैं अपने आप से भी कहना चाहता हूँ, बोलने वाला भी मोहताज है, आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, बड़े अच्छे लोग हो, मस्जिद को आबाद करो। जो मस्जिद को आबाद करता है, अल्लाह उसके घर को आबाद करता है, उसके बिजनेस को आबाद करता है, उसके दिल को आबाद करता है। थोड़ा सा बोझ लगेगा, रमजान में फजर की नमाज पढ़ना सोचा, अल्लाह ने रमजान में फजर की नमाज में उठाया। ईद में फजर की नमाज पढ़ने का सोचा, अल्लाह ने ईद में फजर की नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाई। मुसलमानों का एक बड़ा मजमा रमजान के बाद नहीं सोचता कि मुझे 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, सिर्फ जुमा पढ़नी है। अल्लाह सिर्फ जुमा में ले आते हैं। अगर तू नहीं पढ़ना चाहता तो इंसान याद रख, मेरा दीन तेरा मोहताज नहीं है और मैं भी तेरा मोहताज नहीं हूं, तू मेरा मोहताज है और तू मेरे दीन का मोहताज है, मेरा दीन तेरा मोहताज नहीं। मेरे अजीजों, जो जुमा पढ़ना चाहता है हर हाल में, अल्लाह पूरी दुनिया में कहीं भी हो जुमा की तौफीक अता फरमाते हैं। जो 5 वक्त की नमाज पढ़ना चाहता है, उसका इरादा है, उसकी नीयत है, उसकी चाहत है, उसके दिल का जज्बा है, वो कहीं भी हो, अल्लाह उसके लिए 5 वक्त की नमाज आसान फरमा
फरमाते हैं, इसकी बरकत से बरकतों वाली हलाल रोजी आसान फरमाते हैं। मेरे अजीजों, सहाबा को रजी अल्लाह अन्हुम व रजू अन का मुजदा मिला किस बात पे मिला? नमाजों पे मिला, रोजे पे मिला, जकात पे मिला। फरमाया सहाबा से जो अल्लाह राजी हुए वो इस बात पर राजी हुए, किताबों में लिखा है कि सहाबा किराम के दिल जो है बड़े साफ थे। अपने दिल को साफ रखो, मैं भी अपने दिल को साफ रखो, आप लोग भी। हमारा घर गंदा हो हमें बर्दाश्त नहीं, हमारा दिल गंदा हो ये अल्लाह का घर है ये अल्लाह को बर्दाश्त नहीं। अरे गंदे ग्लास में हम पानी नहीं पीते, गंदे दिल में अल्लाह अपनी मोहब्बत को डालना पसंद नहीं फरमाते। एक दिल है, एक अल्लाह के लिए है। अल्लाह ताला हमें सही समझ अता फरमाए। वो मेरे दोस्त रोजाना 5000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे, ऐन जवानी में अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, महीने में 1.5 लाख मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ते थे। एक बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ, जरा ध्यान से सुनना। सैयदना हजरत मूसा अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम का जमाना है, और मूसा अलैहि सलाम के जमाने में एक वक्त ऐसा आया बारिश नहीं बरस रही है, लोग परेशान। मूसा अलैहि सलाम के पास आए, मूसा अलैहि सलाम ने कहा चलो जंगल में अल्लाह से दुआ करेंगे, अल्लाह आसमान से पानी बरसाएगा। दुआ की तो अल्लाह ताला ने वही भेजी, फरमाया ए मूसा, इस मजमे में एक शख्स ऐसा है जो 40 साल से गुनाह ही गुनाह करता है, उसने हमें नाराज कर रखा है। जब तक वो इस मजमे में होगा ना, मैं आसमान से बारिश नहीं बरसाने वाला। तू ऐलान कर दे कि ये जो मेरा नाफरमान है, जिसने 40 साल से नाफरमानी की सारी हदें पार कर दी है, उसे कह दे इस मजमे से निकल जा तो मैं आसमान से पानी बरसाऊंगा। मूसा अलैहि सलाम ने ऐलान किया, देखो इस मजमे में एक शख्स ऐसा है, क्योंकि अल्लाह ने कहा है इसका मतलब पक्का है। खुलासा यह है, वो 40 साल से गुनाह कर रहा है, उसे चाहिए कि वो बाहर निकल जाए। उसकी वजह से इंसान तो इंसान, जानवर भी परेशान हाल है। जब उसने ऐलान सुना ना, वो समझ गया कि ये अल्लाह के नबी है और अल्लाह ताला ने सच फरमाया है, मैं ही वो गुनहगार हूं जो 40 साल से गुनाह करता हूं। तो घबराया, 30-40 सेकंड का वक्त है उसके पास, तो दिल दिल में अल्लाह से कहता है, खुलासा बारी ताला, आप तो बड़े रहमान है रहीम है, मैं गुनहगार हूँ अल्लाह, अगर मैं बाहर निकलूंगा ना मेरी बेइज्जती हो जाएगी, आज मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं सुलह करता हूँ, मैं आपको सॉरी कहता हूँ, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर। ओ हो, अभी तो वो दिल से बातें कर रहा है अल्लाह से, वक्त के नबी हजरत मूसा अलैहि सलाम को पता नहीं है, और आसमान से मौसलाधार पानी बरसा है और बारिश हुई, लोग अपने अपने इलाके की तरफ जाने लगे। मूसा अलैहि सलाम ने कहा अल्लाह आपने तो कहा था इस मजमे से एक शख्स निकलेगा, फिर आप आसमान से पानी बरसाएंगे, ये तो कोई निकला भी नहीं और आपने आसमान से पानी बरसा दिया, क्या बात है? अल्लाह ने फरमाया मूसा, जिसकी वजह से वो बारिश रोक रखी थी ना, उसी की वजह से बरसा दी है। अल्लाह, वो जिसकी वजह से आप बारिश नहीं बरसा रहे थे, उसी की वजह से बारिश बरसा दी, तो कहा उसी की वजह से, क्या बात है? कहा मूसा, जब तूने ऐलान किया तो वो नादिम हो गया और उसने दिल दिल में मुझसे माफ़ी मांग ली, मुझसे सुलह कर ली। अल्लाह पाक मुझे बता तो दो वो कौन है, मैं उसे देखना चाहता हूँ। हाय रे, कैसे है मेरे और आपके प्यारे अल्लाह। कहा मूसा, जब वो 40 साल से गुनाह करता रहा, जब मैंने किसी को नहीं बताया, अब तो तौबा करके मेरा हो गया है, अब किसी को बता दूंगा? क्या कभी नहीं बताऊँगा। किसको नहीं बता रहे? वक्त के नबी हजरत मूसा अलैहि सलाम, जिनका दिल एकदम साफ है, जो मासूम है, उनको भी नहीं बता रहे कि मूसा नहीं बताऊंगा, अब तो सुलह करके मेरा हो चुका है। ये तो प्यारे नबी की लाडली उम्मत है, और हमने तो ऐसे कोई 40 साल तक गुनाह ही गुनाह किए भी नहीं है। अगर हम माफी मांगेंगे, अपने आप को गुनहगार समझेंगे, क्या अल्लाह ताला हमें माफ नहीं फरमाएंगे? मेरे अजीजों, याद रखना, ये बातें तो होती रहेगी, मजलिस होती रहेगी, एक दिन मेरा और आपका जनाजा भी उड़ जाएगा। यहां से चले गए तो दोबारा नहीं आएंगे। इंग्लैंड में पाउंड डॉलर चलते हैं, अमरीका में डॉलर चलते हैं, फ्रांस में यूरो चलते हैं, सऊदी अरब में रियाल चलते हैं, तो कब्र में अच्छे आमाल चलते हैं, कब्र की करेंसी अच्छे आमाल है। इसलिए ये पूरा मजमा सच्चे दिल से अल्लाह ताला से माफी मांगे और इस बात को तय करें कि आज से हम तय करते हैं इंशाल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ूंगा। इंशाल्लाह जब ये जज्बा होगा अल्लाह पढ़ाएगा, इंशाल्लाह मैं अल्लाह के रास्ते में जाऊंगा, मैं गश में बैठूंगा, मैं मुलाकातों में जाऊंगा, अल्लाह के दीन को मैं ओढ़ना बिछोना बनाऊंगा, सारे मसाइल का आसान हल बिस्तर उठा और अल्लाह के रास्ते में चल, और रोजाना 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कौन कौन नियत करता है कि पढ़ेंगे इंशाल्लाह? माशाल्लाह माशाल्लाह।
अल्लाह ताला हम तमाम को अमल की तौफीक अता